एकदम भाप कर दो, ठीक है। देखिए एक कुर्सी और लाइए, एक नहीं दो कुर्सी यहाँ और भेजिए। यदि मैं हूँ इसीलिए मामले को जल्दी बढ़ाया जा रहा है। कुर्सी तो और लाइए पप्पा, दो कुर्सी और मंगा दो पप्पू, एक कुर्सी और लाओ, थोड़ी देर के लिए एक कुर्सी और दीजिए। देखिए बूढ़ा लगभग अपने ससुराल पहुंच चुका है, अभी मैं अंदर जाऊंगा, दुल्हन की माँ से मिलूंगा, उसके बाद बातचीत करेंगे। ए सुनो, हम लोग आ गए स्टेज पे, जो इतना भीड़ भाड़ मचा रहे हो आप लोग सहीवाला नहीं हो, ठीक है। दूल्हे के सर पे चढ़े चले आ रहे हैं, नीचे रहिए, नहीं तो दूल्हा मरे वाला तुम हो लोग ठे हो। चलो दूल्हा आ गई है। वाह माशाल्लाह, क्या दूल्हा यार, दूल्हा राम को देते ऐसे दूल्हे की सत्य ना जाए। ये देखिए इनकी औलाद है, ये देख लो इनकी औलाद, इन्होंने ऐसा बच्चा पैदा किया है। अब्बा की शादी नहीं हुई है, दूल्हा पहले शादी के लिए तैयार है। काजी साहब इनके साथ में एक सहीवाला है। सहीवाला कहाँ है? वो सामने खड़े हैं, खान खान को भैया वाले। अतहर को, अतहर का तुम्हारा क्या रिलेशन है? दोस्त तो अतहर को भी बुलाओगे? हाँ बुला। अरे तब तो बुला। अतहर अबूजान जहाँ पे हो जल्दी से आ जाओ। अबे तेरे कितने बाप हैं यार, भैया को भी बाप बना रहे, उधर बहन को बाप बना। आता है दादा जहाँ हो तो आ जाओ। अबे सत्या नाम जाए, एक बार बाप बोलते एक बार दादा बोल रहे हो, ये क्यों नहीं तुम्हारे आता है कि बाप है? बाप ये भी बाप है। देख लो एक दूल्हा के 36 बाप है, 72 अम्मा। ये तुम्हारा भाई दूल्हा बना तैयार है, इसको अभी नहलाया जाए, सुबह 8 बजे मिट्टी दिया जाएगा, है ना? बिना न हुआ है तो कभी मोहर आ गई है? ये नहीं सर, कौन सा मुझसे नहाया है? नहा के आया है। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, एकदम तैयार है, एकदम तैयार। चलो खामोश बैठी लो, ये दुल्हन की कौन है अम्मा? मैं तो जीजी हूँ। जीजी ठीक है ना, ना आप लोग घबराइए मत, हम काजी साहब। हाजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, हमें बात उसका आवाज क्लियर करो। क्लियर नहीं होगा। नंबर एक, नंबर दो, इसकी आवाज क्लियर कर दो। नहीं बाबा, इसकी आवाज कम कर दो। सुनो, सुनाओ फिर कहीं। ये मैं खाने तो मैं काम हमारा है। तुम काजी साहब तो अपना, मैं अपनी तेज बोलो, हमें छुओ मत, मैं मकरूह हो जाऊं, ठीक है? ये दुल्हन की कौन है? ये दुल्हन की अम्मा है, ये वाली, ये लंबी वाली। हाँ हाँ, दुल्हन, दुल्हन की और बहने कौन है? बहने देखो ये दोनों बैठी क्या कुमारी, कुमारी एकदम। एक तो मुझे दे दो, मैं भी कुमारा भी खा लूंगा। हाँ, 3-4 महीने का भूखा हूँ, खा पी लूंगा, मैं भी दूल्हे के साथ चला जाऊंगा। 3-4 महीने से भूख रहे हो? हाँ, तो खत्म हो जाए भाई। अगर ये कर ना दो, कोई लंगड़ी लूली अंधी पानी मेरी उसी पर दे दो। बढ़िया है, बढ़िया बना था। तुमने से देखिए भाई, आपका भाई दूल्हा बन के तैयार हो गया। दूल्हे अच्छा है, अबे तुम्हारा सत्य ना जाती, मैं उठाऊंगा हंटर, समझे? ये लो, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देती रही, ठीक है? देखिए दुल्हन के अब्बा का क्या नाम है? अतहर खान। दुल्हन के अब्बू का नाम पूछ रहा हूँ भाई। कटहर खान, कटहर खान। और दूल्हा
तुम्हारे अड्डू का क्या नाम है? पप्पू। अबे यार तेरा सच्चा, तेरे मुंह पे मैं केटा मार दिया था, क्यों बताया है? अबे कभी पप्पू भैया को बाप बना रहे हो कभी? आते हैं आप कौन? बाप पप्पू है। पप्पू है एकदम ओरिजिनल। हाँ पक्की बात। हाँ पक्की बात। ये बता तेरी शादी तेरे साथ होगी? सुहाग रात कौन मनाएगा? पप्पू मनाएंगे आते हैं। अबे शादी तेरे साथ होगी, तेरे दुल्हन के साथ सुहागरात पप्पू मनाएंगे। अबे क्यों तो घर में बाहर रोला जाए कौन मनाएगा? एक बार कह रहा है कि पप्पू भैया सुहागरात मनाएंगे मुस्कान के साथ। जो बहादुर बाबू कराए हैं मुस्कान का, कहाँ की है? नवाबगंज वाली जो उधर है। ये पक्की साथ देगी? हाँ। ये मारने से आवाज छोड़ता है, इसको जरा बराबर कर दो भाई। तो निकाह कितने में बंद है? ऐसा है जल्दी करिए। जल्दी तो बस निकाह शुरू होने जा रहा है। एक काम कर लो, निकाह मैं घर शुरू कर रहा हूँ। निकाह के बाद दुल्हन तो चली जाएगी सुहागरात में पप्पू भैया के साथ, इनको नहलाने की तैयारी करो, कब्रिस्तान खुदवा दो। 8 बजे तुम्हारी मिट्टी होगी, तुम्हें मंजूर है? मंजूर। देखिए शादी होने जा रही है, 8 बजे मर जाएंगे, 8:30 बजे इनकी मिट्टी हो जाएगी। निकाह बांध है? बांधो। 5,000 रुपया मेहर है, दोगे? दोगे? निकालना उठाना। कौन देगा मेहर का पैसा? कौन देगा? तू है यानी शादी तुम्हारे साथ, सुहागरात उनके साथ। अब प्रधान क्या करेंगे जो यहाँ बैठे हैं? प्रधान लाइए। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? इनका हाँ, इनका है। देखिए अरे ये सब तुम्हारे घर वाले ऐसे ही है। तुम्हारा क्या नाम है? मेराज। मेराज के बाप का नाम? पप्पू। पप्पू? अच्छा। मेराज शनाब पप्पू खान, तुम उनके लड़के हो, तुम्हारा निकाह मुस्कान के साथ होने जा रहा है, ठीक है? हाँ। तुम्हें बैठ जाओ। शिवजी निकाह नामा तैयार है, निकाह बांधने जा रहा हूँ। 1100 रुपया हमारा हुआ, 2100 लेता हूँ। 1100 दोगे? नहीं दोगे तुम्हारी गर्दन काट के बलवा बाबा के ही चढ़ा दी। सीट जमा कर दो, तो निकाह शुरू करें। मुस्कान के बाप का क्या नाम? जरा दो। मुस्कान के बाप का क्या नाम है? तो कहो बिना बाप के पैदा भी है। देखिए आप लोग खामोश हो जाइए, निकाह होने जा रहा है, ठीक है? क्या नाम तुमने बताया? मेरा वन पप्पू भैया मुस्कान, तुम्हारे निकाह में आ रहे हैं। तुमको निकाह कबूल है? नहीं कबूल। क्यों नहीं कबूल है? अरे निकाह कबूल कर लो, बोलो हूँ निकाह कबूल है। नहीं कबूल। अरे शादी कौन सी शादी तय किया है? हूँ बोलो, हूँ बोलो।
कबूल नहीं तो कबूल करेगी? धीरे से बोलो, हूँ। तुम्हें निकाह कबूल है? अरे हूँ ना बोलो तो धीरे से नीचे से तू नहीं कबूल। देखिए मेरा तुम्हारा निकाह हो रहा है, ठीक है? दुल्हन ने हाँ कर दिया, अब वो जाए या न जाए तुम्हारी मर्जी, ठीक है? जाएगी तो अच्छा है, न जाएगी तो पप्पू भैया ले जाएंगे, है? आज इसकी भैया फोन हो रही है एक रखा भी दो भदही मियां बीबी लतई ठीके पर दही निकाह हुआ सही सह की है रही या ना रही। देखिए अपनी मैया से रो रहा है ना, दूल्हा रो रहा है। अरागा तुम तट्टी में वो कसीरा वो चीने मन वो चुग रही वो खमीरा, तंबाकू पियो तो धमाका या खमीरा, टिंगा खसीला होनी बढ़िया। दूल्हा रो रहा है क्योंकि ये दूल्हा जाने वाला है। मैं थोड़ा सा आयत पढ़ दूँ, उसके बाद तुम्हारा निकाह मुकम्मल कर देते हैं, ठीक है? लाओ किए वो तो रही है वो भी मिल दिया, बरसाती खीरा जलेबियम वो लट्टुअम वो पेड़ियम वो मंसूर जंतरम वो जलेबी का सीरा। जलेबी का सीरा क्या करो? जलेबी के सीरे से दुल्हन का निकाह चिपकाया जाए ताकि दोनों का निकाह चिपका रहे और दोनों की मोहब्बत मरते दम तक कायम रहे। सती जोर में लामा नाका दूसरा मारो, अबे निकाह हो रहा है सती जोर मेला करने जाओगे? नियम गोशियम वो बिरयानियम वो दाल मसूरा, दाल मसूरा जानते हो? दाल मसूरे को दाल निकाल के दुल्हन और दूल्हे के निकाह को चिपकाया जाएगा, है? लौकियम वो तोरइयम वो भिंडियम वो बरसाती खीरा। खीरा क्या करोगे काजी साहब? बरसाती खीरा उस जगह काम में आएगा शादी के बाद, अभी दूल्हा और दुल्हन ये दोनों सुहागरात में जाएंगे तो वहाँ पे दुल्हन की ये दोनों सहेली जाएगी, पहले दूल्हे से हंसी मस्ती करेगी और दुल्हन की जो सहेली है वो अपना अपना गोल फल उठा उठा के दूल्हे को मारती जाएगी, दूल्हे को मारती जाएगी और दूल्हे को जब गुस्सा आएगा तो उठाएगा वही बरसाती खीरा और उठा के दुल्हन के खोस देगा, दुल्हन उधर बेहोश हो जाएगी, दूल्हा इधर बेहोश हो जाएगा। सारी बातें भूल जाता ब्याह के पैसे याद रखना, बताऊं मैंने तो 1100 में मैयत की दुआ करने जाना, 55 रुपया 55 आना ब्याह करूंगी 76 पैसा। शादी हो गई, दुआ मांग रहा हूँ कि दूल्हे की मैया जल्दी से निकल जाए, घर हमारा पाक हो जाए।
जाओ बेहोश हो रहा है ये लोग ले जाओ इसको जमा कर दो दुल्हन को अब हम क्या चिंता रहे मैं दुल्हन को गाड़ी में बिठा के पप्पू भैया के घर में ले दिया